हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मीनू, वेलकम बैक टू लर्न विद लर्नर्स पाथ। तो आज हम देखेंगे एग्जाम की स्ट्रेटजी कि क्या है, एग्जाम हमें किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम कहेंगे कि एग्जाम हमारा अभी 5 को है, ठीक है। अभी कुछ दिन पड़े भी है हमारे पास, तो देखेंगे कि एग्जाम को हम किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए हमें, ठीक है। तो फर्स्टली तो यह है कि एग्जाम से एक दिन पहले कुछ नहीं करना किसी ने, ठीक है। अपना सेंटर देखना, इधर उधर काम कर लेना, लेकिन पढ़ना नहीं है। उससे क्या होता है, जो भी पहले पढ़ा होता है उसे रिटेन नहीं कर पाते, ठीक है। ऊपर से होते कि और पढ़ ले और पढ़ ले, ठीक है। उससे पहले हमें रिवीजन जो करनी है वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो से भी कर सकते हो, या फिर अपने जो भी नोट्स हैं उनसे एक बार आप सारी रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एग्जाम की स्ट्रेटेजी हमारे पास क्या है, चाहे पेपर 1 हो चाहे वो हमारे पास पेपर 2, दोनों के लिए हमें क्या है 2.5 आवर, मतलब 2.5 घंटे है हमारे पास, चाहे वो मॉर्निंग में हो चाहे वो इवनिंग में हो, ठीक है। हमारे पास है तो 2.5 घंटे, 2.5 घंटे में हमारे पास क्या है, 5 सब्जेक्ट हमें कवर करने हैं। कितने हैं, चाहे पेपर 1 है तब भी हमारे पास 5 सब्जेक्ट है, चाहे पेपर 2 है तब भी 5 सब्जेक्ट है, ओके। अब यहाँ पे जब हम पेपर 1 अगर सॉल्व करना चाहें तो क्या है, किस तरह से हमें सॉल्व करना चाहिए। या तो आप पेपर जिस तरह से आता है कि पहले CDP आती है फिर कोई और सेक्शन आता है, उसी तरह से आप पेपर अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। जैसे पहले CDP फिर पंजाबी आती है वैसे आप कीजिए, ठीक है। फिर पंजाबी आएगी, इंग्लिश आएगी, जो भी आपका मैथ एंड साइंस लास्ट में आता है उस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है, जैसे पेपर आते हैं सीरियल वाइज। इसमें अगर हम देखें, सबसे पहले पेपर चाहे किस तरह से भी आए, मतलब किस पर CDP दोनों में, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी CDP आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करनी है, क्योंकि इस पे थोड़ा बच्चों का सबका मेन फोकस रहता है हमारा CDP पे, ठीक है। अब CDP नियर अबाउट आपको 30 मिनट्स में कवर कर लेनी है, क्योंकि हमारे पास हर एक को हमने हाफ हाफ आना दिए है, ठीक है। अब ट्राई करना कि इसको आप 25 मिनट में कंप्लीटली कर पाओ, विद ओ एम आर आप 25 मिनट में कर पाओ, ओके। अब इसका रीजन सिर्फ उनके लिए है जिनके पास मैथ साइंस है या फिर इनके पास मैथ्स आता है, क्योंकि जिनके पास SST आता है उनको इतना मैथ्स सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 25 मिनट दिए विद OMR, ओके। क्योंकि मैथ्स में वही हम 2-4 मिनट इधर उधर करके टाइम अप कर लेंगे, ठीक है। अब सेकंड हमारा सब्जेक्ट आता है यहाँ पे पंजाबी, दोनों में लगा लेते हैं, या फिर इंग्लिश, आप उसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वो भी क्या है कम टाइम कंज्यूम होते हैं। अब पंजाबी और इंग्लिश में भी क्या है, आप पहले वो करो जो क्या है आपके पैडागोजी के क्वेश्चन है, जिनमें क्या है आपने पैराग्राफ नहीं पढ़ने, पहले आप ट्राई करो, पहले 15 क्वेश्चन वो कर लो दोनों के, ठीक है। जैसे पहले पंजाबी शुरू की, 15 क्वेश्चन वो कर लिए, और उसके बाद हमने क्या किया, उसको OMR फिल कर दिए, फिर 15 क्वेश्चन देखो टाइम आपके पास कितना रह गया, उसके अकॉर्डिंग आप इसको 30 मिनट ही दे सकते हो, ओके। पंजाबी को भी और इंग्लिश को भी आप 30-30 मिनट ही देना, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट, अब इनके पहले जो पैरागोजी के क्वेश्चन करेंगे इनके भी, और पैराग्राफ भी आप देख लो जो छोटा पहले वो कर लेना, बड़ा वाला बाद में करना, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट, आते हैं हमारे पास EVS आता है इसमें हमारे पास, और आता है मैथ्स, ठीक है। अब EVS में क्या है, आपको नियर अबाउट 25 मिनट ही लगेंगे, ठीक है, विद OMR, क्योंकि EVS में अगर क्वेश्चन आता है तो आता है, नहीं आता नहीं, ठीक है। सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। सिमिलरली अगर हम देखें साइंस में भी आपके पास सिमिलरली वैसे ही क्वेश्चन होते हैं, कि आपके पास फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे कि आपको आते हैं तो ठीक है, मतलब अगर थोड़ा बहुत होता है कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसको 25 मिनट में कवर कर सकते हो, आपकी चाहे वो EVS हो चाहे आपकी वो साइंस हो, ठीक है, आप उसको 25 मिनट में कवर कर सकते हो विद OMR। अब हमारे पास क्या है, हमें 5 मिनट यहां से बचा लिया, 5 मिनट यहाँ, ये किस लिए बचाया हमने, ये मैथ्स के लिए बचाने हैं, क्या क्या, क्योंकि मैथ्स क्या है सॉल्व करने में हमें टाइम जाता है और क्या होता है टाइम काफी कंज्यूम हो जाता है। इंग्लिश और पंजाबी को हमने इसलिए टाइम कम नहीं दिया क्योंकि इसमें दोनों में पैराग्राफ होते हैं, लेकिन पहले हम 15 जो पैडागोजी के क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करेंगे। तो इस तरह से अगर स्ट्रेटेजी करेंगे तो हमारे मैथ्स के लिए 40 मिनट हमारे पास बच जाएंगे। एक बात और है, चाहे आप OMR इस तरह से भी भर सकते हो जैसे मैंने कहा 25 मिनट में पहले, मतलब विद OMR आप भरते जाओ, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो 22-23 मिनट्स में इसको कंप्लीट किया फिर OMR भरा, या फिर इन 4 पोर्शंस को कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको 10 मिनट लगेंगे OMR भरने में, जो इसी में से टाइम चला जाएगा, 2-3 मिनट कम कर लो, सारे OMR यहां तक भर लेना, मैथ शुरू करने से पहले OMR आपके फिल हो, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप क्या करते कई बार होता है कि सारा पेपर आपने कर लिया फिर OMR भरते हो, पेपर तो सारा हो गया बट OMR भरने के लिए टाइम नहीं बचा,
तो वो नहीं होना चाहिए। ओएमआर में भरने में हमें हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, चाहे 5 मिनट यहाँ से कम मिल जाए हमें, बट ओएमआर हमने अच्छे से भर लिया। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो कि पहले चार यहाँ से इतने से लेके इतने तक आपने कवर किया पूरा पेपर, फिर उसके ओएमआर भर लिए। अब क्या है, मैथ्स के क्वेश्चन जब जैसे सब करते जाओगे ओएमआर उसके बाद भरते जाओगे अपने टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको चाहे पहले चार भर लो फिर ओएमआर भर लो, बट ओएमआर हमें एट लास्ट पे नहीं भरने की, पहले 5 सब्जेक्ट करेंगे एट द लास्ट के हम ओएमआर भरेंगे। ठीक है, तब हड़बड़ी हो जाती है, टाइम भी कम बचता है। तो ये थोड़ी सी एग्जाम स्ट्रेटजी हमने ये की थी। अब रिवीजन की बात करें तो क्विकली हमें रिवीजन करनी है। एक अगर पेपर आप देख सकते हो, प्रीवियस पेपर देख लो। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी पेपर हो तो प्रीवियस पेपर देख लो कि किस तरह से आया है और आपके कौन कौन सा जो पैटर्न है किस हिसाब से आप चलोगे, चाहे पेपर 1 के लिए है चाहे वो पेपर 2 के लिए। ओके, एग्जाम से एक दिन पहले कुछ नहीं करना। ओके, और एग्जाम पे हमने क्या है, पूरे टाइम पे पहुंचना है और उससे क्या होता है, रिलैक्सेशन फील होती है हमें अगर हम टाइम नहीं पहुंचे। अगर हम पहले थोड़ा ऐसे होंगे, एग्जाम में 10 बजे का टाइम है, ठीक है, पेपर 1 के लिए आप पहले वहां पे 9:40-9:50 हो गया, अभी तक आप बाहर ही हो गए, तो क्या होता है वो टेंशन क्रिएट हो जाती है कि यार एग्जाम मिस ना हो जाए। आपको कहना चाहिए 10-15 मिनट पहले वहां पे आप बैठे हो आराम से रिलैक्स हो, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है एग्जाम टाइम करते। तो ये छोटी छोटी चीजें थी हमें पेपर 1 और 2 के लिए ध्यान रखनी है, दोनों के लिए। ठीक है, एग्जाम को से टाइम पे पहुंचना है, किस तरह से हमें अटेम्प्ट करनी चाहिए। बाकी आपने अगर जिस तरह से रिवीजन की है, ठीक है, आपने अगर आपने सोचा है कि पहले मैंने CDP करना है फिर मैथ साइंस करूंगा या कुछ भी करूंगी फिर पंजाबी इंग्लिश बाद में करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ठीक है, ये आप अगर इस तरह से करोगे तो भी ठीक है, चाहे अपने पैटर्न से जिस तरह से एग्जाम आते हैं जिस पैटर्न से उस पैटर्न से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है वो। ठीक है, बट एग्जाम के लिए हम मैथ्स में थोड़ा आप टाइम बचा सकते हो इस तरह से कि 5-5 मिनट वहां पे टाइम कम लगा के, और ओएमआर को पहले भी फिल करना है मैथ्स से, क्योंकि मैथ्स को टाइम कंज्यूम कर लेते हमें पता ही नहीं चलता सॉल्व करते करते कि हमने कितना छोड़ दिया है कितना पेंडिंग है, और टाइम का भी नहीं पता चलता। ठीक है, और टाइम वैसे भी वहां पे क्लॉक ही होगा, हमें वॉच मिलेगी नहीं तो ध्यान नहीं रहता फिर टाइम। ठीक है, तो ये थी छोटी छोटी टिप्स, चाहे टिप्स कह लो चाहे स्ट्रेटेजी कह लो, तो एग्जाम को अटैम्प्ट करने की, इस तरह से हम एग्जाम को अटैम्प्ट अच्छे से कर सकते हैं और स्कोर अच्छा कर सकते हैं। तो बाकी तो एग्जाम पे भी डिपेंड करेगा, एग्जाम किस टाइप का आता है, कि उसका लेवल है टफ होगा या कम होगा उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये थी मेरी छोटी छोटी स्ट्रेटेजी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा साथ साथ अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं, उससे तो अगर चैनल की जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए करेगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।